हेलो फ्रेंड, चंपा ब्लॉग में सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि मेरा ब्लॉग बंगाली में है, तो बहुत फ्रेंड्स लोगों को बंगाली समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे रिक्वेस्ट करें जो मैं एक ब्लॉग हिंदी में बनाऊं। प्याज का छिलका संडे मार्केट से कलेक्ट करते हैं और किचन गार्डन बनाने के लिए जो कंपोस्ट तैयार करते हैं फ्रेंड्स, डेली जो किचन वेस्ट निकलता है वो किचन वेस्ट एक छोटा बकेट में जमा करते हैं, उसका बाद दूसरा बकेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फ्रेंड्स, कंपोस्ट बनने में कम से कम एक से डेढ़ महीना लग जाता है, इसलिए अलग अलग बकेट में रखने से एक ही फ़ायदा मिलता है कि कम से कम एक कंपोस्ट होने का बाद और दूसरा कंपोस्ट भी तैयार हो जाता है, तो किचन गार्डन में यूज़ करने बहुत हेल्प मिलता है। ये बकेट का किचन वेस्ट है 15-20 डेज का बाद इस तरह होगा। कंपोस्ट का अंदर मेन है प्याज का छिलका। प्याज का छिलका अगर यूज़ करेंगे तो पुराना मिट्टी को हम लोग दोबारा यूज़ करके पेड़ पौधा गाड़ सकते। फ्रेंड, जब एक किचन गार्डन का मिट्टी बहुत पुराना हो जाता तो उस टाइम हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि कोई भी पेड़ पौधा गाड़ने से कुछ भी नहीं होता अच्छा से। तो इसका बीच मेरा हस्बैंड एक प्रोसेस ट्राई करके देखा, तो उसमें बहुत हम लोग को बेनिफिट मिला। पुराना मिट्टी को यूज़ करने के लिए सबसे बेटर है प्याज का छिलका, और प्याज का छिलका इस तरह यूज़ करने से जल्दी जल्दी कंपोस्ट में बदल जाता और अच्छा से पेड़ पौधा हम लोग गाड़ सकते। फ्रेंड्स, गुया पेड़ लगाने के लिए इस तरह मिट्टी तैयार करना पड़ता है, और गुया पेड़ में ज़्यादा पानी होने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, और जो प्याज का छिलका धीरे धीरे कंपोस्ट में बदल जाएगा।
फ्रेंड्स, मेरा किचन गार्डन का ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल से ही बना है। फ्रेंड्स, पुराना मिट्टी में कंपोस्ट और प्याज का छिलका यूज़ करके देखिए, मिर्ची का पेड़ बहुत अच्छा से हो रहा है। फ्रेंड्स, ये देखिए बैंगन का पेड़ चावल का बस्ता में गाढ़ा है और सेम प्रोसेस में ही गाढ़ा है। देखिए बैंगन पेड़ कितना अच्छा से हो रहा है। ये है वेस्ट बकेट, जो बकेट में मिर्ची पेड़ गाढ़ा है। फ्रेंड्स, बनाया वाला कंपोस्ट हम लोग पेड़ में यूज़ करने का एक हफ्ता बाद आप लोग देखिए पेड़ कैसा चेंज हो रहा है। फ्रेंड्स, मेरा हिंदी ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा और मेरा किचन गार्डन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मेरा जो सब्सक्राइबर है, सब लोग को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो नए हैं मेरा ब्लॉग में, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सभी को मेरे तरफ़ से बहुत बहुत धन्यवाद।